स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। ये है क्लास 8 का। देन क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हमें इसमें बताने हैं कि हमारे पास इन जो क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन एंड ट्राइंगल्स, इसमें कितने डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में हम 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 9 एंड ट्राइंगल में नन। देन क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। मतलब हमें कुछ पॉलीगन्स के नाम बताने हैं जिनकी हमें साइड्स की बना है। 3 साइड्स कौन से होते हैं? क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल्स, जिसके तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। 4 साइड्स स्क्वायर, 8 साइड्स रेगुलर ऑक्टागन, 8 साइड्स में होते हैं हमारे रेगुलर ऑक्टागन। देन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज़ द सम ऑफ द ट्राइंगल ऑफ हेक्सागन। हमें बताना है कि हमें कुछ क्या दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा हेक्सागन, इसके हमें बताना है कि इसके साइड्स को हम कैसे कन्वर्ट सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एन साइड्स ऑफ पॉलीगन्स, एन माइनस टू देन मल्टीप्लाई 180। अब हेक्सागन में कितने साइड्स होती हैं? 6, तो एन की जगह पे हमने क्या रख दिया? 6, 6 माइनस टू देन मल्टीप्लाई 180, माइनस करने पे कितना आ गया? 4 देन मल्टीप्लाई 180, ये कितना हो जाएगा मेरा? 720। देन बी पार्ट एंड ऑक्टागन, ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 8, तो एन की जगह पे हम क्या पुट अप कर देंगे? 8, और उसको हम सॉल्व कर देंगे वही सेम ए की तरह। तो ये कितना हो जाएगा? ए, ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने पे, यहाँ पे आ जाएगा 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 1080। देन सी पार्ट है हमारा रेगुलर डेकागन, डेकागन में होते हैं हमारे 10 साइड्स, तो एन की जगह पे हम 10 रख देंगे, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 180, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा इतना। देन डी पार्ट है हमारा, डी पार्ट में हमें बोला है कि ए रेगुलर 14 साइड्स ऑफ पॉलीगन, 14 साइड्स हमें साइड्स ही बता दी उसने, तो हम एन की जगह पे हम क्या पुट अप कर देंगे? 14, देन उसको हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने पे कितना आ गया? 2160। एंड क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, उसमें हमें एक्स, वाई एंड जेड की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। सो क्वेश्चन फिगर ए था हमारा ये, इसमें हमें 120, 90, ये भी क्या होंगे 90 एंड एक्स, हमें इसकी एक्स की वैल्यू बतानी है। ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसमें हमारे पास जितने भी एंगल्स हैं उनको हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे उनका, और ये क्वाड्रिलेटरल सम्स किसके इक्वल होता है? 360 के इक्वल, तो इनको हमारा सम करने पे आ गया 300 प्लस एक्स। अब हम 300 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60। देन बी फिगर था हमारा, बी फिगर्स में हमें चारों साइड गिवन है ए बी सी डी, इसमें हमें क्या किया? 120, 60, एक्स एंड 60 प्लस एक्स। अब इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और इस ये हो जाएगा 360 के इक्वल। इन सबको ऐड करने पे आया इनको 60 प्लस 120 हो गया 220, एक्स प्लस 1x हो गया 2x, तो 360 माइनस 240, इन दोनों को माइनस करने पे आ गया 120। अब 2 को इसके डिवाइडिंग में लेके जाएंगे तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? 60, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60। नाउ सी पॉइंट है हमारा, सी पॉइंट का फिगर है ये वाला, इसमें हमें ए बी सी डी एंड एक्स, तो हमें क्या बताना है? पहले हम बताएंगे इस वाले को, इसका एंगल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा क्या? लीनियर पेयर, तो 120 प्लस वाई दैन इक्वल टू 180, तो इन दोनों को माइनस करने पे आ जाएगा वाई की वैल्यू 60। ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी ये वाला ट्राइंगल ले लिया हमने पूरा, इसमें y की वैल्यू गिवन होगी। अब हम क्या करेंगे? इन सबको प्लस कर देंगे, एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल से क्या ये हो जाएगा? 180। इस मतलब एक ट्रायंगल जो होता है उनके एंगल सम करते हैं तो वो होता है 180 के इक्वल। सो हमने तीनों एंगल्स को प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 90 प्लस 60 हो जाएगा हमारा 150, दैन इक्वल टू 180। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इनको माइनस करने पे 30। नाउ अब हम क्या करेंगे? पहले हमने लिया था ऊपर वाला ट्रायंगल, अब हम लेंगे नीचे वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी हमने लिया यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी। अब हमने क्या करा? इन सभी एंगल्स को हम क्या कर देंगे? प्लस, यहाँ से हमारा एक्स की वैल्यू आ गई थी 30 एंड यहाँ पे हो गया था हमारा 60, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? ये
ये वाले क्या ट्राइंगल ए बी सी था, तो एंगल्स ये हो गए 60 प्लस जेड, जेड को हमें नहीं पता क्योंकि हमें नहीं मालूम, एंड ये क्या हो जाएगा 30, तो इन सबको इक्वल हो जाएगा ये किसके 180 के, तो जेड प्लस 90 देन इक्वल टू 180, तो जेड को इसमें से माइनस कर देंगे तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 90। देन डी पार्ट जेड की वैल्यू 90 आ जाएगी, और डी पार्ट होगा इसका हमारा, इसमें भी हमें सेम वही प्रोसेस, हमारे पास कुछ एंगल्स गिवन है और कुछ हमें फाइंड करने हैं, तो 40, 60, 50 ये एंगल्स हमें गिवन है, ये एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, तो इसको हमने क्या मान लिया एंगल वन और इसको मान लिया एंगल टू, तो ये होगी हमारे क्या लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की हेल्प से हम इसको सोल्व कर देंगे, तो 60 प्लस 1 दैन इक्वल टू 180, लीनियर पेयर वन एंगल वन कितना हो जाएगा 120, ऑल्सो एंगल टू प्लस 50 दैन इक्वल टू 180। अब इन दोनों इनको सोल्व करने पर कितना हो जाएगा एंगल टू इक्वल टू 130। अब ये क्या हो गया इन पेंटागन, ये है एक पेंटागन, तो पेंटागन ए बी सी डी ई, अब इसको क्या करेंगे इस पेंटागन को हम सोल्व कर देंगे, इसके जितने भी एंगल्स है उसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो एंगल 40 प्लस एक्स प्लस 120 प्लस 130 प्लस एक्स दैन इक्वल टू, पेंटागन है तो पेंटागन दैन इक्वल टू किसको देगा 540 के एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इनको प्लस करने पे आप डिजिट डिजिट्स को एक साथ प्लस कर दिया इनको सबको, तो ये जाएगा मेरा 290। देन एक्स एक्स को ये हो जाएगा 2x दैन इक्वल टू कितना 540। अब 290 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको माइनस करने पे हो जाएगा ये 250। देन एक्स 2x इक्वल टू 250, तो एक्स को जब हम 2 की वैल्यू को जब इधर लेके जाएंगे तो ये कट होने पर जाएगा हमारा 125। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड, देन इन अ गिवन फिगर, हमारे पास एक फिगर गिवन है, इसमें हमें बताने हैं जो एंगल्स डब्ल्यू डी जेड वाई, मतलब इन फिगर्स को हमें बताने ये कितने कितने, तो एंगल वन इन सब पहले क्या कर देंगे अंदर वाले एंगल्स को हम सबको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 360 एंगल्स प्रॉपर्टी, इनको प्लस करने पे आ जाएगा 285 दैन इक्वल टू 360, एंगल वन इक्वल टू 360 माइनस 285, तो एंगल वन कितना हो जाएगा मेरा 75। अब एंगल वन हमारा 75 आ गया, तो एंगल वन 75 देन डब्ल्यू इन ये क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर एंगल्स, और ये भी क्या हो जाएंगे ये भी लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर और ये भी लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर एंगल्स की हेल्प से हम इनको सॉल्व कर देंगे, देन एक्स प्लस 110, एक्स प्लस 110 देन इक्वल टू कितना 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, तो एक्स में से क्या करा हमने इसको इधर लेके चले गए नेगेटिव में पहुंच गए, तो एक्स की वैल्यू जाएगी हमारी 70। सेम है हमने क्या करा 90 प्लस जेड, जेड प्लस 90 देन इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, सो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। सेम एज वाई प्लस 85 दैन इक्वल टू 180 डिग्री, इसको भी हमने सोल्व कर दिया, तो वाई की वैल्यू दोनों को सोल्व करने पे कितना जाएगी वाई की 95। सेम डब्ल्यू प्लस 75 दैन इक्वल टू 180 डिग्री, डब्ल्यू को सोल्व करने पे आ जाएगा 105। अब हमने जितने भी हमें एंगल्स मिले एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, इन सभी एंगल्स को हम क्या कर देंगे प्लस, इन सबको प्लस करने पे आ जाएगा हमारा 360 डिग्री। सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है इसका, इसमें भी हमें एक फिगर गिवन है वो है पेंटागन का, 5 साइड्स है, तो पेंटागन ए बी सी डी ई जितने भी एंगल्स हैं हमने क्या करा अंदर वाले एंगल्स को हमने पहले सबको ऐड कर लिया, तो जितने भी एंगल्स थे हमने सबको क्या कर लिया 80 प्लस 150 ये था हमारा 80 प्लस 90 देन प्लस एंगल 1, इन सबको हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, पेंटागन होता है 550 के इक्वल, ये प्लस करने पे आ गया 390 देन प्लस 1 देन इक्वल टू 550, इसको हम इसके माइनस माइनस में आ जाएगा, ये इधर एंगल वन आ जाएगा हमारा 150 माइनस करके। सेम वही प्रोसेस जैसे हमने फर्स्ट वाले में करा था, लीनियर पेयर की हेल्प से हम इन सभी एंगल्स को सॉल्व कर लेंगे, ये सभी एंगल्स को सॉल्व कर लेंगे, तो ए प्लस 80 देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ए को सॉल्व करने में कितना आ गया हमारा 100। सेम एकदम बी को भी ऐसे सॉल्व करेंगे, बी प्लस 180 देन इक्वल टू 180 डिग्री, बी को सोल्व करने पे आ गया हमारा 30। सेम ऐसे हम डी को सोल्व करेंगे, सी को सोल्व करने पे आ गया हमारा 90 डिग्री, एंड डी को भी हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे, एंड डी प्लस 70 दैन इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को माइनस कर दिया डी की वैल्यू आ गई हमारी 110, एंड ई प्लस 150 दैन इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को सोल्व करने पे आ गया ई इक्वल टू आ गया हमारा 360 डिग्री। अब हमारे पास जो भी आया ए बी सी डी ई, इन सभी को एंगल्स को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, प्लस करने पे हमारा आ जाएगा ये 360 डिग्री। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, थैंक यू।